नहीं होगी तो मैं चला जाता हूँ अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जस्ट आपने लिखना है हिडन कॉल रिकॉर्डर, ठीक है। और ये फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है, इसके 100,000 जो है वो डाउनलोड्स हैं, और ये आइकन है इसका, आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये थोड़ी देर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है मेरे एंड्रॉयड के अंदर, तो ये देखें ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, आपने क्या करना है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, आपने यहाँ पे क्या करना है वो ईमेल एड्रेस लिख लेना है जिसके ऊपर आप तमाम इसकी कॉल्स वगैरह सुनना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो ईमेल एड्रेस, मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर तमाम वो डिटेल्स चाहिए। तो जस्ट मैं ये ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे आके डन, और जैसे डन करूंगा तो मुझे कुछ कन्फर्मेशन मांगेगा, मैं इसको अलाओ 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 अगेन करता जाऊंगा जितनी बार भी ये अलाओ मांगेगा। तो मैंने सब तमाम को अलाओ कर दिया। अब यहाँ से अगर आप अपना एक्सेस कोड जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एक्सेस कोड क्या है 123456, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हाइड आइकन, मैं जैसे इसको क्लिक कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि आपके जो यहाँ पर आइकन मौजूद नजर आ रहा है ये कुछ ही देर में हाइड हो जाएगा, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हाइड हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। वो एप्लीकेशन का आइकन जो है वो हाइड हो चुका है। अब आप जिसके मोबाइल में भी ये इंस्टॉल किया होगा उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है और कोई उसकी मैसेजेस या कॉल्स को जो है वो हैक कर रहा है। अब इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं इनकी कॉल्स को, लेकिन कॉल्स को हैक करने से पहले मुझे एक कॉल करनी होगी, तो सबसे पहले मैं एक कॉल कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि वाकई में क्या ये कॉल्स को रिकॉर्ड करता है या नहीं करता। यहाँ पे मैं कॉल को मिला देता हूँ, तो ये कॉल जा रही है, कुछ देर में कॉल कनेक्ट होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। हेलो, आवाज आ रही, चलो ठीक है, मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मुझे लगता है शायद इसमें वॉइस में डिस्टॉर्शन भी आई है इसकी वजह से, क्योंकि कॉल के कनेक्शन की वजह से ना ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट करता है रिकॉर्डिंग के साथ भी, तो इसकी वजह से डिस्टॉर्शन भी आई होगी। अब मैं आपको, मेरी कॉल तो चले गई है, अब मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ कि क्या इसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर आई है कि नहीं। अब आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं, आप इस अपनी मेल को चेक करें, आपको एक मेल आई होगी, आप उसको अपने पीसी से भी ऑन कर सकते हैं मेल को, या अपने अपने एंड्रॉयड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना जस्ट जीमेल का अकाउंट ओपन करता हूं, तो यहां पर देखें मुझे मेल आई होगी, ठीक है, मोबाइल रिकॉर्डर की तरफ से। मैं इसको ओपन करता हूं, तो यहां पर नीचे आता हूं तो ये देखें यहां पर लिखा हुआ लिंक, ठीक है, प्लीज़ यूज़ द लिंक टू लॉग इन टू योर अकाउंट, ठीक है। मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं, और जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखें मेरे मोबाइल की डिटेल्स आ रही है, मेरा जो है सैमसंग SM N920T जो है वो मेरे मोबाइल का मॉडल है वो आ चुका है। मैं इसको जस्ट ओपन करता हूँ तो इसमें तमाम मेरी मैसेजेस और कॉल्स वगैरह आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस नंबर पे मैंने अभी अभी कॉल किया, हाँ, तो मैंने वाकई अपने इस वकास दोस्त को कॉल की थी, ये उसके आगे नंबर आ रहा है, सो ये उसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पे, ये उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपने कॉल की होती है उसी टाइम पे उस एरिया का इमेज भी ले रहता है उस फ़ोन से जहाँ पे उसने वो कॉल की थी, यानी कि उस मोबाइल का उस वक्त जहाँ पे लोकेशन थी वो उसके बैक कैमरे से उसकी पिक्चर स्नैप भी ले लेता है। तो देखिए मैं, मेरा मोबाइल का जो बैक कैमरा था वो इस वक्त पीसी की तरफ था, तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी स्नैप भी ले ली वहाँ से। और यहाँ पे जो इस नंबर पे मैंने कॉल की थी इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड, सेव और डिलीट की ऑप्शन, मैं इसको डाउनलोड को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगी, या आप थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आएंगे इस पेज पर तो यहाँ पर जैसे ये डाउनलोड का लिंक नज़र आ रहा है आपके पास, यहाँ पर भी डाउनलोड का लिंक नज़र आ जाएगा। मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ, कुछ टाइम लेता है ये डाउनलोड अपलोड होने के लिए, तो यहाँ पर आकर जस्ट मैं दोबारा जीमेल में जाता हूँ, और जीमेल में जाने के बाद मैं दोबारा लिंक को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें मैं लिंक को ओपन करता हूँ, अगेन से थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको मैं अगेन से ओपन करता हूँ सैमसंग SM को, और यहाँ पर ये देखें ये डाउनलोड की ऑप्शन आ गई, ठीक है। तो मैं अब इसको डाउनलोड करके आपको सुना देता हूँ जो मैंने अभी अभी कॉल की थी, ये देखें डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये डाउनलोड हो जाएगी थोड़ी देर के अंदर, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये देखें ये डाउनलोड होगी, मैं इसको प्ले करके आपको सुना देता हूँ एक बार। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने सुना कि इसके जरिए से आप किसी की भी कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी को भी पता लगे बगैर तो आप लोग इसको यूज करते हुए सुन सकते हैं किसी की भी कॉल्स। आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आइकन तो आपको नज़र नहीं आ रहा, अगर आप उस ऐप मोबाइल में से वो आइकन को डिलीट या एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं या शो करवाना चाहते हैं तो आप क्या करें, वो आपको कोड याद होना चाहिए जो आपने लगाया था। मेरा था कोड 123456। मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ अपने डायलर को, यहाँ पे आके जस्ट वो कोड मिला दूंगा 123456 और यहाँ से कॉल को मिला दूंगा तो मेरे पास वो ऑप्शन आ जाएगी। तो जैसे ही वो ऑप्शन ओपन होगी, अब मैं दोबारा से अपने डेस्कटॉप पर आता हूँ यानी स्क्रीन पर आता हूँ तो वो एप्लीकेशन थोड़ी देर में अपीयर हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास। ये देखें ये अपीयर हो गई, आप जस्ट इसको ड्रैग करें और अनइंस्टॉल कर दें सिंपली, जैसे आप दूसरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है